विगत 2 दिनों पहले हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने पर दबिश देकर लूटे गए सामान के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के काशीपुर में 2 दिन पहले हुई चोरी के मामले में पीड़ित कार्तिक यादव ने संज्ञान व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी थी। कार्तिक ने बताया था कि लुटेरों ने उनके घर का ताला तोड़कर घर में रखे हुए सामान को लूट ले गए। लूटपाट की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और CEO वंदना वर्मा के निर्देश पर थाना प्रभारी मनोज रतूड़ी के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई। टीम ने आसपास में लगे CCTV फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू की। टीम ने आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी करते हुए 4 आरोपियों मोबाइल तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए CEO वंदना वर्मा ने बताया कि गिरफ्त में आए चारों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी थे, जो नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहते थे। पूछताछ में विगत दिनों में हुई चोरी को आरोपियों ने कबूल किया है। देखिए, पिछले दिनों ये दिनांक 29 तारीख को एक ये कार्तिक यादव जी हैं, जो कि नई सब्जी मंडी निवासी हैं, इनकी दुकान से अज्ञात युवकों ने इनका मोबाइल फोन चोरी कर लिया और साथ ही साथ ये कश्मीर हाउस है जहाँ पर गोदाम से इनके एजाज नबी हैं, इनके गोदाम से भी कुछ सामान जैसे कि इनका इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर, यहाँ तक कि लोहे का दरवाज़ा और DVR, ये सब अज्ञात युवकों के द्वारा चोरी कर लिया गया। दोनों मामलों में दोनों युवकों के द्वारा थाने में पंजीकृत कराया गया मुकदमा, और इसके बाद हमने इसको गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस प्रकार की चोरी की अलग अलग घटनाएं हो रही थी, तो गंभीरता से लिया गया, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और इसमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काशीपुर के द्वारा इसको इनके निर्देशन में हमने टीमें बनाई, जिसमें विशेष रूप से बांसवाड़ा चौकी इंचार्ज, टांडा उज्जैन चौकी इंचार्ज, साथ ही साथ कुछ हमारे लोकल SPO और हमारे कॉन्स्टेबल्स, इन सब ने इसमें मेहनत करी। उसके बाद आज इसमें सफलता हमें प्राप्त हुई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।